मुसलमानों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए खुदा के नाम से एक संदेश देना चाहता हूं। भारत में जितने मुस्लिम भाई मेहनत किए उसके अनुसार पाकिस्तान पाए। हिंदुस्तान तो केवल हिंदुओं का था, जिसने दया धर्म के अनुसार बाबर के समय बने मुस्लिमों के लिए, जो तीन भाई हिंदू थे, एक भाई मुस्लिम थे, पाकिस्तान जाते काटे जाते और वापस यहां रहने के लिए चाह रहे थे, तो यहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सारे लोग नेताओं ने बैठकर और दिमाग में लगाया कि चलो थोड़े मोरे लोग हैं, आगे चल के अतिथि रूप में रहेंगे, भाई जैसे मिलके रहेंगे और धीरे धीरे हिंदू फिर बन जाएंगे, रख लेते हैं अभी, धीरे धीरे फिर पंचायती करके बना देंगे। वो लोग तो चले गए, वो लोग की सर्रा कामना भी चली गई। आज जो बैठ के भारत में, भारत के मुसलमान हैं, संविधान में लिखे जाने से कोई दिक्कत नहीं, संविधान में लिखा है, सब यहां से बेलगा कौन रहा है मुसलमानों को, ये भटा कौन रहा है, इतना जो भौंक रहे हो कुत्ता की तरह कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर जहां जहां बिहार से लेके यूपी तक हर जगह भूख रहे हो कुत्ता की तरह मुसलमानों, एक दिन तुम ही मुसलमानों के भूखने से सारे मुसलमान मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, नहीं समझते हो। अभी सोचो 70 वर्ष 60 वर्ष अगर तुम लोग को रखना नहीं चाहते तो 60 वर्ष 70 वर्ष में तो पाकिस्तान की तरह 30% हिंदू 3% हो गए। अगर हिंदू के मन में कोई प्रॉब्लम होता अभी तक तो तुम सारा जगह तुम ही जो है सो हत्या करने में मुस्लिम तेज, आतंकवादी में मुस्लिम तेज, नीचे गंदा काम करने में मुस्लिम तेज, गौ माता के दूध सेवई खाते हो ईद में और गौ माता को मारते हो, किसका दूध से बनाओगे सेवई, किस चीज से सेवई खाओगे? अगर अल्लाह ने सेवई नहीं खाया होता तो सेवई का प्रचलन नहीं होता। अल्लाह क्या पानी में सेवई बनवा के खाते थे या खिलवाते थे, आदेश दिए थे? तुम मुस्लिमों को मैं फिर समझा रहा हूं कि अपने पैर अपने काटे। लालू प्रसाद के राज में 15 वर्ष राज में ज्यादा ग्वार ही बिहार में कटाया, उसी प्रकार से पूरे इंडिया में तुम लोग को जो है ना पंख जम गया है मुस्लिमों। मैं भी मुस्लिम हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग जो है सो पंख जम गया है। मैं लेकिन ईमानदार और पक्का मुस्लिम हूं, पक्का। मैं ईमान के प्रति जवाबदेह हूं। जिस मुस्लिम को ईमान पक्का नहीं हो वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता है। यहां तो मुसलमान जितना देख रहे हैं, मौलवी को तो ये देश का ये पूरा जो है सो पढ़ा लिखा मौलवी, एको वो मौलाना नहीं है, अल्लाह का नहीं चल रहा है, मौला का चल रहा है, मौलाना का चल रहा है, फारसी के भेंट नहीं, फारसी में पूरा कुरान पढ़ गए, कुरान का कुछ नहीं, कुरान का कुछ नहीं चल रहा है, सारा कुरान खत्म हो गया। आईएसआई का मार्ग चल रहा है, भारत में आईएसआई मार्ग नहीं चलेगा। अभी सोचो ना कि हिंदू अगर गुस्साता नहीं है, गुस्सा गया तो हम लोग भी तो यहाँ सीधी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं और रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें हल्ला नहीं रहा है, कोई बेलगा रहा है, कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन मन इतने मुसलमानों का बढ़ गया है, पूरे इंडिया में मुसलमानों का इतना मन बढ़ गया है, बाहर के मुसलमानों के प्रति, आईएसआई के प्रति इतना रुझाव हो गया है। अभी सोचो कि रात रात अगर मुसलमान हिंदू अगर विचार कर लेते, एक मुसलमान को काटने के लिए 75 गो हिंदू होगा, कहां जाओ, कितना लड़ोगे? आतंकवादी से मिला के तू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहता है, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है, आजादी मिलना चाहता है, आजादी तुम्हारे बाप का है, 1947 में आजादी मिल गया, अब तुम्हारे बाप का क्या चाहिए? तुम ही जैसे सारे मुसलमान और तुम्हारे जैसे कांग्रेस के जितने मुसलमान है चंट है मुसलमान नेता, ये सारे हिंदुस्तान के मुस्लिमों को कटवा दे रहा है दिन। मैं जानता हूं अभी से सुधर जाओ मौलवियों, जितना जोर से चिल्लाते हो डिबेट पर, तो रहम तो हिंदुओं का है कि हम लोग इतना चिल्ला के आराम से रह रहे हैं, अभी तक रहम किए हुए हैं। 370 धारा भी कश्मीर का हटेगा,
और बाबरी मस्जिद भी बनेगा। पक्का ही माना नहीं वो मुसलमान है कहां? जिस देश में खाते हो, गाते हो, रहते हो, जिस देश का खून है उसका मिट्टी है, देश के लिए गर्दन हलाल करा लो, कटवा लो, गाय का गर्दन काटते हो और नाहक में हिंदुओं का शिकायत करते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, ये पत्रकार है जो है सो कभी सब ये साले पढ़े लिखे होके भटियारपन भरुआन करते हैं पैसा लेके, साले सारे विदेश से फंडिंग आता है और मुसलमान के बच्चा को कटवाया जाता है। अलगाववादी के नेता जो है अपने बच्चे को विदेश में एसी में रखे हुए है, ये ससुर सब पैसा कमाने का नेता के तरीका रखे हुए है। कांग्रेस का सारा बधुआ मजदूर बना हुआ है सारा मुसलमान, आठवां तक पढ़ा के मस्जिद में पढ़ाई होगा, मेन धारा से पढ़ाई पढ़ो, अफसर बनो, साला सबसे नीचे काम गोली चलाना, छिनराई करना, लबराई करना, कोठा पर मौगी के ले जाके बेचना, ये सारा साला मुसलमान के काम है। जितना नीच है कबारा बेचना, उल्टा सीधा जे हेन तेन कबारी तबारी सब्जी बेचना उल्टा सीधा, अरे 70 वर्ष में पढ़ने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 70 वर्ष मुसलमानों का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है, पक्का निखक्का दुश्मन है, तो मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी है। उसी ने 65 वर्ष में मुसलमानों को इतना नीचे बदुआ मजदूर बना दिया है। आज रहन सहन से लेके भाव भोला से लेके हर चीज अगर गड़बड़ाया है, कहीं कहीं जगह नहीं है इंडिया के अंदर में नौकरी में न किसी चीज में न, अगर नहीं है हक तब पूर्ण रूप से हम लोग का है रहने का, खाने का, पीने का आजादी है। लेकिन अगर कोई अगर हमारा कोई शोषण किया है तो वह जवाहरलाल के फैमिली और ये राहुल गांधी का कारोबार जो चल रहा है सारे मुसलमानों को कटवा के एक दिन दम लेगा। इंसानियत है, देश का कोई प्रधानमंत्री है तो उसको गाली देना, देश में कश्मीर है तो पाकिस्तान अलग देश है, जात से या धर्म से क्या होता है, ये धर है तो धर्म है, ये धर चला जाएगा सारा धर्म खत्म। मैं पूरे हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान से कहना चाहता हूं, यह जाकिर का एक जाकिर हुसैन का कहना है कि मान लो और इंसानियत भाई है, भाई अद्दी बना के रखो, भाई भाई बना अद्दी बना के रखो, नहीं तो अगर मंदिर नहीं बनाने दे रहा, अगर मंदिर कोर्ट से हटके अगर राजनीतिक के माध्यम से बना लिया फिर किस बात पर तुमसे एहसान। 370 नहीं हटने के चलते वहां कोई दूसरा घर नहीं बना रहा है, दूसरा वहां जो है जमीन नहीं ले रहा है कश्मीर में, इसीलिए आतंकवाद साठ के अलगाववादी पैसा लेते हैं अरबों खरबों चाइना से और पाकिस्तान से। ये जो राहुल गांधी पाकिस्तान से और चाइना से और दो तीन और देश है जिसका नाम नहीं बताना चाहते हैं लेके पैसा, और उन्हीं समय तैयारी कर रहे हैं कि काट मार कराएंगी और खूब पैसा बांटेंगे, जीत जाएंगे गद्दी पर। गद्दी के लिए साला तुम तो ना तू साला भरुआ तेगुला राहुल गांधी, ना तो तू रहा हिंदू, ना पक्का हिंदू, ना पक्का तू मुसलमान, ना पक्का तू चर्च, तू कुछ नहीं है, तेरा बुद्धि नहीं है पप्पू खप्पू गप्पू, मतारी के गोदी में अभी तक बैठा हुआ है, मूत्र के मूत्र पेशाब करने जाना होता है तो तू मम्मी से पूछता है, और जब यहां